नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र का हमारा एक विषय है रस। रस जो आनंद का बोधक है साहित्य जगत में, और रस जिससे बच्चों को, आप सभी बच्चों को बहुत डर लगता है। आनंद से भला डरने की क्या जरूरत है? तो चलिए, आज के सत्र में हम रस पर बहुत सरल शब्दों में चर्चा करते हैं, ताकि आपकी पकड़ इस कठिन से, ऊपर से कठिन से दिखाई देने वाले विषय पर भी मजबूत हो सके। शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, रस को समझने के लिए जानना जरूरी है कि रस शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है। तो रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। जल के लिए रस शब्द इस्तेमाल होता है, द्रव यानी जो तरल पदार्थ हैं उनके लिए रस शब्द इस्तेमाल होता है, वीर्य के लिए रस शब्द का प्रयोग किया जाता है, सार के लिए रस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और कोई भी बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन हम खाते हैं तो उसके लिए भी रस शब्द इस्तेमाल होता है। और षड रस, जो छह रस माने गए हैं भोजन में, खाद्य पदार्थों में, उनके लिए भी हम ये रस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये षड रस कौन से हैं दोस्तों? अम्ल यानी खट्टा, तिक्त यानी तीखा, कटु यानी कड़वा, काशाय यानी कसैला, मधुर आप सभी जानते हैं, और लवण यानी नमकीन। ये छह रस माने गए हैं दोस्तों, षड रस के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन सभी रसों के लिए, इन सभी के लिए भी रस शब्द का इस्तेमाल होता है आधुनिक युग में। लेकिन हमें इस रस के इन सभी को सिर्फ जानना भर है, क्योंकि साहित्य में हमें जिस रस को पढ़ना है वो रस किस अर्थ में प्रयुक्त होता है वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आधुनिक युग की बात करें तो रस शब्द के प्रमुखतः चार अर्थ होते हैं। पदार्थ रस यानी पदार्थों से प्राप्त जो रस है वो, औषधि रस यानी वनस्पतियों, जड़ी बूटियों से प्राप्त जो रस है वो वनस्पतियों से प्राप्त रस औषधि रस कहलाता है। मोक्ष रस, जो भक्ति के माध्यम से संत जन संसार सागर से पार उतरकर मुक्ति की कामना किया करते हैं और उस आनंद में डूबा करते हैं, उसे भक्ति रस कहते हैं। यानी कीर्तन करते समय, भजन करते समय जो एक आनंद का स्राव हृदय में उत्पन्न होता है वो भक्ति रस कहलाता है। साहित्य रस, जिसको हमें अच्छी तरह से गहराई से समझना है, काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है, इस बात को आप जान लीजिए। रस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी रचना हमने पढ़ी और हमें उसमें रस बहता हुआ दिखाई देने लगा, बल्कि उससे हमारे हृदय में जो एक सरस धारा बही आनंद की, वही काव्य से प्राप्त होने वाला, साहित्य से प्राप्त होने वाला रस है। यानी अब तक हमने जितनी भी काव्य की रचनाएं पढ़ी हैं, काव्य कृतियां पढ़ी हैं, चाहे वो कामायनी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, भ्रमर गीत सार हो, या कबीर की साखियां या उनके पद हो, जिन जिन क्षणों में उनको पढ़ते समय हम उनमें इतना डूब गए कि हमें अपने आसपास के वातावरण का भी ध्यान नहीं रहा, वही रस की प्राप्ति की चरम दशा है। जब अपने पराये का भेद, अपने आसपास के वातावरण का भेद हमारे लिए समाप्त हो जाए, तब उस स्थिति में जो इस आनंद का भोग हम करते हैं आत्मिक स्तर पर, वही वास्तव में रस है। आगे चलते हैं। आचार्य भरत, देखिए, सबसे पहले रस को एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय आचार्य भरत को जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे, आचार्य भरत ने रस के विषय में क्या कहा? रस में आस्वाद का भाव निहित है। आस्वाद के भाव का क्या अर्थ है? यानी उसका स्वाद लिया जाता है, यानी इसका उपभोग किया जाता है। जैसे हम भोजन प्राप्त करते हैं और जब बहुत ही मनपसंद हमारा कोई खाद्य पदार्थ होता है तो हम उससे आनंदित होते हैं, ऐसे ही आचार्य भरत कह रहे हैं कि जब हम साहित्य में डूब जाते हैं तो हम एक प्रकार से उस साहित्य में कहे गए जो कथ्य है, जो भाव उसमें उदित होते हैं, भाव जो अभिव्यक्त किए गए हैं, उनका हम आत्मिक स्तर पर उपभोग करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। तो आस्वाद का भाव निहित है, उसे ग्रहण करने का माध्यम। अब ये जो आस्वाद का भाव है यानी स्वाद लेने की जो प्रक्रिया है, वैसे तो हम मुंह से भोजन खाते हैं और उसका आनंद हम लेते हैं, लेकिन यहाँ इस रस के आस्वाद के तरीके अलग अलग हैं। तो आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि कहीं साहित्य के रस को का आस्वाद कर हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं,
कहीं अपने मन के माध्यम से करते हैं तो कहीं भजन आत्मा के माध्यम से करते हैं। तो देखिए जब हम भक्ति रस में डूबते हैं तो हमारी आत्मा से हम आनंद प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं जब हम सुंदर दृश्य को देखते हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियां आप सभी वैसे तो जानते होंगे, आंख, त्वचा, कान, नाक और जिह्वा, ये पांच ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। तो जब हम सुंदर दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं इसका मतलब है कि हम आंखों के द्वारा नेत्रों के द्वारा आस्वाद ले रहे हैं। जब हम कोमल और कठोर स्पर्श से आनंद लेते हैं, उसका आस्वाद करते हैं तो हम त्वचा से, मधुर ध्वनि को सुनकर आनंदित होते हैं तो हम कानों से लेते हैं, हम अच्छी सुगंध से आनंदित होते हैं तो हम नासिका से स्वाद लेते हैं, और हम कोई अच्छा सा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हम जिह्वा से आनंद लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यही भरत मुनि ने कहा है कि अलग अलग स्थितियों में रस को लेने का, आस्वाद का जो भाव है वो कहीं हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं, कहीं मन से प्राप्त करते हैं और कहीं आत्मा से प्राप्त करते हैं। अब रस शब्द के प्रयोग पर बात करते हैं। सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ दोस्तों, लेकिन जानना ये जरूरी है कि ऋग्वेद में रस शब्द का प्रयोग उस अर्थ में नहीं हुआ जिस अर्थ में हम साहित्य में आज चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पदार्थ के रस के रूप में रस शब्द का प्रयोग हुआ, और विशेष तौर पर सोम रस जो एक पवित्र पेय पदार्थ माना जाता था ऋग्वेद में, उसको जो कि यज्ञ आदि के समय पान किया जाता था सोम रस का, तो उसके अर्थ में विशेष तौर पर रस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया। अब कैसे इस शब्द के अर्थ में बदलाव आया उसे हम देखते हैं। धीरे धीरे वैदिक काल से आगे बढ़कर जब उत्तर वैदिक काल में आए, यानी उपनिषद आदि ग्रंथों की रचना की गई, जब इस रस के स्वरूप में परिवर्तन आया और धीरे धीरे ये आनंद का पर्याय बन गया, क्योंकि सोम रस को पीकर जो आनंद प्राप्त होता था ऋषि मुनियों को या हमारे वैदिक काल के मनुष्यों को, उस आनंद को, वो सोमरस से प्राप्त आनंद को अन्य स्थितियों में सोचने लगे, और धीरे धीरे रस शब्द किसका प्रतीक बन गया, आनंद का प्रतीक बन गया। और यही हम देखते हैं उत्तर वैदिक साहित्य यानी उपनिषदों में रस शब्द का प्रयोग किया जाता है आध्यात्मिक आनंद के रूप में, क्योंकि उपनिषद साहित्य जो है वो आध्यात्मिक चिंतन को अभिव्यक्त करने वाले ग्रंथ है, अभिव्यक्त करने वाला साहित्य है। तो वहां आत्मा और परमात्मा के मिलन से प्राप्त आनंद की जब चर्चा की गई तो उसके लिए भी रस शब्द का इस्तेमाल किया गया। आध्यात्मिक आनंद का अर्थ क्या है, आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो आत्मा को आनंद प्राप्त होता है वही आध्यात्मिक आनंद है। तो ऋग्वेद में पदार्थ रस के रूप में, उत्तर वैदिक साहित्य में यानी उपनिषदों में आध्यात्मिक आनंद के रूप में रस शब्द का प्रयोग किया गया। तैतृय उपनिषद में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है रसौ वैसह, यानी वह आनंद स्वरूप है, वह कौन है, ब्रह्म, यानी परमपिता परमेश्वर आनंद स्वरूप है। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिक आनंद के रूप में रस शब्द यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे लिखते हैं रसई एव आय लब्ध्वा आनंदी भवती, कि जो मनुष्य इस रस को, कौन सा, ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त रस को प्राप्त कर, लब्ध्वा प्राप्त कर आनंदित होता है, आत्मिक स्तर पर आनंदित होता है, वही वास्तव में ब्रह्मानंद को सच्चे अर्थों में भोग पाता है, उसका आस्वाद कर पाता है। इसका अर्थ यहां दिया गया, अर्थात रस ब्रह्मानंद स्वरूप है जिसे प्राप्त कर आत्मा आनंदी हो जाता है, यानी आनंद से भर उठता है। यहां एक बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में देने की है कि यहां पदार्थों से जो आनंद प्राप्त हो रहा था, पदार्थ रस को लेने से जो आनंद प्राप्त हो रहा था, उसकी तुलना आत्मा और परमात्मा के मिलन से प्राप्त आनंद से की गई है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। आगे चलें, भरत मुनि ने रस के विषय में क्या कहा, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार जान लेते हैं। साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में रस का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। नाटक से प्राप्त होने वाला, क्योंकि प्रारंभ में दोस्तों जो कृतियां लिखी जाती थी, संस्कृत साहित्य जब लिखा जाता था तो अधिकांशतः नाटक के तरीके, नाटक के रूप में ही काव्य लिखे जाते थे, और उनको नाट्य रस इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहले नाटकों के संदर्भ में ही भरत मुनि ने रस
सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उन्होंने सबसे पहले नाट्यशास्त्री ग्रंथ लिखा जिसमें नाट्यशास्त्र की चर्चा की गई थी और उसी नाट्यशास्त्र के संदर्भ में रस शब्द की विस्तृत व्याख्या की। नाटक से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है। यहां स्पष्ट रूप से भरत मुनि ने कहा कि नाटकों को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही वास्तव में रस है। काव्य का मूल प्रयोजन क्या है? काव्य का मूल प्रयोजन का मतलब मूल उद्देश्य। क्यों कोई भी कवि या कोई भी नाटककार साहित्य सृजन करता है? तो भरत मुनि के अनुसार आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य सृजन किया जाता है, साहित्य सृजन किया जाता है, और वो आनंद जो मिलता है वो रस के रूप में हमें मिलता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भरत मुनि ने रस के महत्व को दर्शाते हुए कहा, नहीं रसाद्रिते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते, कि जिस साहित्यिक कृति में रस नहीं होता उस वो साहित्यिक कृति जिस उद्देश्य को लेकर लिखी गई है वह उद्देश्य श्रोताओं या पाठकों तक पहुंचता ही नहीं है। जिस कृति में रस होगा और रस का उपभोग करने में समर्थ होंगे पाठक और श्रोता दर्शक, उस कृति वही कृति अपने उद्देश्य में सफल मानी जाएगी। मैं यहां पाठक, दर्शक और श्रोता तीन बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि नाटक पहले लिखे जाते थे, उनका अभिनय होता था, तो दर्शक गण बैठकर उनका आनंद लेते थे, कुछ लोग सुनकर आनंद प्राप्त करते थे, तो सुनकर प्राप्त आनंद, देखकर नाटक को प्राप्त आनंद और पढ़कर आनंद, तीनों प्रकार के आनंद की बात यहां मैं कर रही हूं। अर्थात रस के बिना नाट्य अथवा काव्य का अर्थ अभिव्यक्त नहीं होता, यानी जिस मूल भाव, जिस मूल उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए रचना की गई है वो उद्देश्य अभिव्यक्त नहीं होता। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना। सबसे पहले काव्य की आत्मा किसने माना? भरत मुनि ने माना, ये भूलेंगे नहीं। आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के बीच किया। यह अनुमानित समय है, प्रामाणिक समय इनका नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है विद्वानों के द्वारा विभिन्न ग्रंथों के साक्ष्यों के आधार पर कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शती ईस्वी के बीच कभी किसी समय आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे चलें। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहने वाले विद्वान कौन है? कंठस्थ कर लेंगे, भरत मुनि है। नाट्य रस की उन्होंने व्याख्या की। ये सूत्र आपको दोस्तों कंठस्थ करना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय है ही नहीं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कहीं कहीं व्यभिचारी के स्थान पर संचारी शब्द का भी प्रयोग मिलता है, एक ही बात है, दोनों तरह से आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। क्या कहा गया है? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस उत्पन्न होता है। यानी इस सूत्र के द्वारा न केवल भरत मुनि ने रस के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अभिव्यक्त किया बल्कि ये भी बता दिया कि कौन से ऐसे अवयव हैं रस के, कौन से उसके स्वरूप के वे घटक हैं जिनसे संयुक्त होकर स्थायी भाव जो है वो जागृत होते हैं और रस को उत्पन्न करते हैं। तो कौन कौन से हुए? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। ये तीनों जो है किसको उत्पन्न करते हैं? मनुष्य के हृदय में, पाठक के हृदय में, दर्शक के हृदय में रस को उत्पन्न करते हैं, अर्थात स्थाई भावों के साथ। क्योंकि स्थाई भाव कौन से होते हैं हम आगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे, जो स्थाई रूप से मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते हैं वे भाव स्थाई भाव कहलाते हैं, और उनके साथ मिलते हैं विभाव अनुभाव और संचारी भाव। जब ये चारों मिल जाते हैं, चारों अवयव मिल जाते हैं, तो रस की निष्पत्ति मनुष्य के हृदय में होती है और उसके चरम आनंद का उपभोग यानी आस्वाद मनुष्य करता है। आचार्य विश्वनाथ रस के विषय में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, इस बात को हम देख लेते हैं। वे लिखते हैं, कुछ बिरले लोग ही उस काव्यानंद का अनुभव किया करते हैं जिसे रस कहा जाता है। देखिए बिरले लोग का मतलब क्या है? बिरले लोग का मतलब है सहृदय व्यक्ति। सहृदय व्यक्ति जो हृदय से कोमल है, कोमल भावनाएं, कोई किसी भी तरह की कोमल या कठोर भावनाएं जिसके हृदय को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं वो मनुष्य सहृदय कहलाते हैं। यानी सहृदय व्यक्ति ही काव्य से प्राप्त आनंद का अनुभव कर सकते हैं, पहला बिंदु। दूसरा, और इस काव्य आनंद को क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है, जैसा कि भरत मुनि ने भी स्वीकार किया। इस रस का अनुभव उन्हें तभी हो पाता है जबकि उनके हृदय में सत्व का उद्रेक होता है।
पहली बात, सहृदय व्यक्ति ही काव्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, हृदय में सत्व का उद्रेक होने पर ही रस उत्पन्न हो सकता है। सत्व का उद्रेक का मतलब क्या है? उद्रेक का मतलब है बहुत ही प्रभावशाली रूप में भावनाओं का उत्पन्न होना। और कौन सी भावनाएं? सात्विक भावनाएं। सात्विक भावनाएं कौन सी भावनाएं होती हैं? सात्विक भावनाएं वे भावनाएं होती हैं जो सभी प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर केवल और केवल मनुष्य मात्र के विषय में सोचती हैं, वे सात्विक भावनाएं होती हैं। तो जब हम अपने पराए के भेद से ऊपर उठ जाते हैं और हम में सत्व का उद्रेक होने लगता है, यानी सात्विक भावनाएं प्रबल रूप में हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं, तभी व्यक्ति या मनुष्य, कौन सा मनुष्य? सहृदय मनुष्य काव्य से प्राप्त आनंद का अनुभव कर सकता है। यह सहृदय के अनुभव विषय रस का अखंड स्वयं प्रकाश आनंदमय संवेदन रूप है। और जो आनंद प्राप्त करता है वो सहृदय व्यक्ति सत्व का उद्रेक होने पर, तब जो आनंद है वो अखंड है, उसे हम टुकड़ों में नहीं भोगते, उसे हम एक साथ अखंड बिना टुकड़े किए भोगते हैं, निरंतर भोगते हैं। निरंतर भोगने की प्रक्रिया होती है और ये स्वयं प्रकाश है। इसको किसी अन्य से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह स्वयं में परिपूर्ण होता है, क्योंकि ये एक रस जो है वो उसका स्वरूप समग्र होता है, आनंदमय संवेदन है और ये बहुत ही आनंद से भरा हुआ होता है। तो ये तीन विशेषताएं यहाँ रस की स्पष्ट हो गई, जिसके साथ किसी भी ज्ञेय वस्तु का स्पर्श नहीं हो सकता। ज्ञेय वस्तु के स्पर्श की बात क्या है कि संसार के जितने भी भेद हैं, जितने भी ज्ञान हैं, जो हम ज्ञेय मानते हैं, उनसे ऊपर उठ जाता है मनुष्य, यानी अपने पराए स्वार्थ संकीर्णता इन सब के से ऊपर उठकर जो भाव उत्पन्न होते हैं, वही सच्चा रस है, वही काव्य का आनंद है। इसे यदि किसी भी अन्य अनुभव के समान बताया जा सके तो वह एकमात्र आत्म साक्षात्कार है, यानी जब आत्मा परमात्मा से मिलती है और उस समय आत्मा जिस आनंद का अनुभव करती है, उसी आनंद से केवल रस के आनंद की तुलना की जाती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन के समय भी जो मनुष्य है वो सभी प्रकार की भौतिक परिवेश से, अपने पराए के भेदभाव से ऊपर उठकर केवल और केवल परमात्मा से प्राप्त आनंद में डूबता है। उसी तरह से साहित्य से प्राप्त आनंद भी उसी स्तर का आनंद है, उसी श्रेणी का आनंद है, जबकि मनुष्य साहित्य की किसी कृति में डूब जाता है और इतना अधिक डूब जाता है कि वो कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, कौन अपना है, कौन पराया है, उस पल विशेष के लिए वो सारे भेदभावों से ऊपर उठता है। इस बात को बच्चों एक छोटे से उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, आप मूवीज तो आप सभी लोग देखते ही हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही करुण दृश्य है और उसमें कोई माँ है जो जिसके बच्चे को कोई चोट लग गई या उसकी मृत्यु हो गई और वो बहुत शोकाकुल है, व्याकुल हो रही है, रो रही है बुरी तरह से, और उस दृश्य को देखकर हम यदि हमारी आंख से अविरल अश्रुधारा बहने लगे तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में सत्व का उद्रेक हो गया और अब हम किसी भी ज्ञेय वस्तु के स्पर्श से ऊपर उठ चुके हैं। यानी हमें ये पता नहीं है कि कौन व्यक्ति हमें पुकार रहा है, हमें ये नहीं पता कि हम किन लोगों के साथ बैठकर पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हम अपनी सारी सांसारिक स्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं। तो वही यहाँ कहने का अर्थ है कि ज्ञेय वस्तु का स्पर्श, यानी जितनी भी सांसारिक परिवेश जनित जो स्थितियां हैं, जो ज्ञान है, वो पूरी तरह से उस समय उस पल विशेष के लिए समाप्त हो जाता है और मनुष्य केवल और केवल उस महिला, उस माँ की पीड़ा में इतना डूब जाता है कि उसे स्वयं अपने अस्तित्व का भी ध्यान नहीं रहता, उसे ये बोध नहीं रहता कि इस माँ की पीड़ा से, इस पुत्र से मेरा कोई संबंध नहीं है, यानी अपने पराए का भेद पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यही यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। इसे यदि किसी भी अन्य अनुभव के साथ बताया जा सके तो वह एकमात्र आत्म साक्षात्कार ही है। तो ये बात यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप के विषय में अभिव्यक्त की है, जिसके माध्यम से हम आगे अच्छी तरह से इस स्वरूप को समझ पाएंगे। आगे चलें। अब आचार्य विश्वनाथ की जो रस की परिभाषा दी, जो स्वरूप प्रस्तुत किया, उससे कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहली बात, यह रस तत्व का जो अनुभव है वो सहृदय और साहित्यिक जन ही करते हैं, जिसकी चर्चा मैं कर चुकी। रस का अनुभव काव्य नाट्य परिशीलन से हृदय में उत्पन्न
सत्व के उद्रेक से ही संभव होता है, यह भी मैं आपको बता चुकी हूं। रसानुभूति की तुलना केवल आत्म साक्षात्कार से की जा सकती है। ये तीन बिंदु महत्वपूर्ण है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, और इन तीन बिंदुओं को यदि हम ध्यान में रख लेंगे तो हम निश्चित रूप से रस के अवयवों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसके स्वरूप को भी समझ पाएंगे। अब बात आती है रस के स्वरूप की। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या करते सबसे पहले व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त आदि आचार्यों ने रस के स्वरूप की व्याख्या की, यानी सबसे पहले भरत मुनि ने रस सूत्र की रस सूत्र दिया और उसकी व्याख्या की। अभिनव गुप्त आदि, शंकुक, भट्ट नायक, भट्ट लोलट आदि बहुत सारे विद्वानों ने, आचार्यों ने उनके रस सूत्र की अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की। अभिनव गुप्त की व्याख्या के आधार पर उनके बाद जो आचार्य आए, मम्मट और विश्वनाथ आदि, उन्होंने भी रस के स्वरूप की व्याख्या की। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप के निम्न आठ बिंदुओं में उन्होंने स्पष्ट किया, इस बात को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, रस अखंड है, उसका उपभोग टुकड़ों में नहीं किया जा सकता, यानी स्थाई भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो समग्र रूप रस उत्पन्न होता है, उस समग्र रूप में ही हम रस का आनंद ले सकते हैं। उस सूत्र को आप नहीं भूलेंगे, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। इसमें सभी अवयवों की, रस के सभी अवयवों के नाम आ गए हैं। तो पहला बिंदु यह है। दूसरा बिंदु यह है कि रस स्वयं प्रकाश है, अर्थात रस को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। रस लोकोत्तर आनंदमय है, यानी रस से प्राप्त जो आनंद है वो लोक संसार की वस्तुओं से, इस भौतिक सांसारिक जीवन से जो भी आनंद हमें प्राप्त होता है उससे बहुत अधिक अलग और सर्वश्रेष्ठ है, उन सबसे ऊपर है रस से प्राप्त आनंद। लोकोत्तर का मतलब है लोक की वस्तुओं से प्राप्त आनंद से ऊपर है, परे है। आगे चले, रस चिन्मय है। चिन्मय का अर्थ होता है परमात्मा के समान, अलौकिक। तो अर्थात रस से प्राप्त आनंद सचेतन एवं प्राणवान तथा निद्रा, मद्यपान और अन्य भौतिक वस्तुओं से प्राप्त आनंद से भिन्न है। जो बात पिछले वाक्य में कही गई लोकोत्तर में, वही बात लगभग यहाँ चिन्मय शब्द के द्वारा अभिव्यक्त की जा रही है कि भौतिक वस्तुओं से जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद से कहीं अधिक श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट आनंद है रस। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य, कई बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि रस के अवयवों के विषय में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, उसमें इन वाक्यों को दिया जाता है और सही अर्थ का चयन हमें करना होता है, इसलिए जरूरी है कि हम इन सभी बिंदुओं को गहराई से समझ लें। तो वेद्यांतर स्पर्श शून्य, यानी वेद्य जो ज्ञान है उसके स्पर्श से रहित है रस, अर्थात रस के आस्वादन के समय, यानी जब कोई भी मनुष्य किसी सुंदर दृश्य को देखकर या किसी सुंदर रचना को पढ़कर जब आनंद में डूबता है, तब संसार का कोई भी अन्य ज्ञान उसे स्पर्श नहीं करता, यानी वो अपने पराये के भेद से, अपनी स्थिति परिस्थिति से बिल्कुल ऊपर उठकर डूबकर उस आनंद को स्वीकार करता है, उस आनंद का उपभोग करता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। सहोदर का मतलब होता है भाई, यानी रस के से प्राप्त आनंद की जो तुलना है वो ब्रह्म से प्राप्त आनंद के समान है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, अर्थात रस के द्वारा हम अपने पराये के भाव से मुक्त होकर आनंद की अनुभूति करते हैं। रस अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। अभिन्न का मतलब है समान, जो भिन्न नहीं है। इसको इस तरीके से लेंगे क्योंकि ये इस तरह कई शब्दों का इस्तेमाल साहित्य शास्त्र में किया जाता है। तो यहां कहा गया है कि रस जिस रूप में आस्वादित होता है उससे भिन्न इसका आस्वादन किसी अन्य रूप में संभव ही नहीं है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। यानी रस को केवल रस के रूप में ही आस्वादित किया जा सकता है, और वो रस का रूप कैसा है? लोकोत्तर आनंद से युक्त है, अखंड है, समग्र है, चिन्मय है, वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। ये सारी स्थितियां आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है रस के अवयवों की। वापस वही सूत्र दोहरा रही हूं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। सूत्र से स्पष्ट हो जाता है कि रस के अवयव कौन से हैं। विभाव, ये है अनुभाव, ये व्यभिचारी, और इनके संयोग से
ये रस है, रस निष्पत्ति यानी उत्पन्न होता है। अब ये अवयव कौन कौन से हुए? सबसे पहला रस की उत्पत्ति का जो अवयव है वो है मनुष्य के हृदय में विद्यमान स्थायी भाव, जो हमेशा मनुष्य के हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं। उसके बाद दूसरा अवयव है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है व्यभिचारी या इनको संचारी भाव भी कहते हैं। अर्थात रस की उत्पत्ति के ये चार साधन हैं। यदि इनमें से कोई एक साधन भी नहीं है तो रस की निष्पत्ति नहीं होगी। यानी रस के अवयव चार हैं, आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। आगे चले, अब इन सबको अच्छी तरह से हम समझते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं। सबसे पहली बात, रस को की निष्पत्ति का जो मूल आधार है वो है स्थायी भाव, और ये हर मनुष्य के हृदय में, चाहे वो संवेदनशील है चाहे वो संवेदनाहीन है, कठोर हृदय है सहृदय है कैसा भी है, सबके हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले जब रस सिद्धांत की चर्चा की गई, उसका प्रतिपादन किया गया, तो स्थायी भावों की संख्या 8 मानी गई। क्यों? क्योंकि रस की संख्या भी प्रारंभ में 8 ही मानी गई, और ये स्थायी भाव थे रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा और विस्मय। जब अभिनव गुप्त ने इन 8 रसों में नवा रस जोड़ा, शांत रस, तब निर्वेद नामक एक स्थायी भाव इसमें आकर के जुड़ गया, और इस तरह से स्थायी भावों की संख्या हो गई 9। लेकिन उसके बाद दो और रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस, इसमें जुड़ गए, और उसके बाद रसों की संख्या हो गई 11 और स्थायी भाव भी 11 हो गए। लेकिन हमारे साहित्य में आप कभी भी ध्यान देंगे अगर, तो नव रस की ही बात की जाती है, क्योंकि प्रारंभ में नव रसों को बहुत अधिक महत्व दिया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज रसों की संख्या है 11 और इसलिए स्थायी भाव भी है 11। स्थायी भाव विरुद्ध या अविरुद्ध भाव से नहीं दबते, ये स्थायी भावों की विशेषता होती है, क्योंकि वे स्थायी रूप से मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं। कोई भी उसकी समर्थक स्थिति या कोई भी उसकी विरोधी स्थिति उन स्थायी भावों को दबा नहीं सकती, ये स्थायी भाव की प्रमुख विशेषता है। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस के रूप में बदलते हैं। यानी रस के रूप में कौन बदलता है, इस बात को समझ लेंगे। स्थायी भाव रस के रूप में बदलते हैं, किसके संयोग से बदलते हैं, जब उसमें विभाव आता है, अनुभाव आता है और संचारी भाव आते हैं। जब ये तीन मिलते हैं स्थायी भाव में, तब वे इनसे पुष्ट होकर रस के रूप में स्थायी भाव जागकर परिवर्तित हो जाते हैं। और जब तक मनुष्य के हृदय में रस की उत्पत्ति होती रहती है, तब तक वे स्थायी भाव जागृत अवस्था में ही होते हैं। जब रस की उत्पत्ति बंद हो जाती है, तब स्थायी भाव पुनः अपनी पहले की स्थिति यानी सुप्त अवस्था में हो जाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से इस पंक्ति के द्वारा समझाया गया है, जिस प्रकार मिट्टी में पहले से विद्यमान गंध जल का संयोग पाकर प्रकट हो जाती है, जब बहुत तेज गर्मी के बाद वर्षा की बूंदें जमीन पर पड़ती हैं, दोस्तों, तो बहुत सौंधी सी खुशबू आप सबने भी अनुभव की होगी। लेकिन वो खुशबू कैसी होती है, जो हमें उस मिट्टी में मौजूद है ये हमें दिखाई भी नहीं देता। हमें अनुभव कब होता है, जब उस वो मिट्टी पानी के स्पर्श को प्राप्त करती है, तब उसमें सोई हुई जो गंध है वो जाग जाती है। उसी तरह से सोए रहते हैं हमारे हृदय में भी स्थायी भाव, और जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ उनका संयोग होता है, तो पुष्ट होकर वो रस की उत्पत्ति करते हैं, रस के रूप में सामने आते हैं। उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से व्यक्त होने पर रस के नाम से पुकारे जाते हैं। आगे, अब स्थायी भाव 11 है, इनको कंठस्थ करना ही पड़ेगा दोस्तों। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य का स्थायी भाव है हास, करुण का स्थायी भाव है शोक, यानी जब शोक का भाव, स्थायी भाव जागेगा, करुण दृश्य को देखकर जागेगा, तो कौन सा रस उत्पन्न होगा, करुण रस। जब हास का भाव, स्थायी भाव हास हमारे हृदय में सोया हुआ है, लेकिन कोई बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही हंसी आए ऐसा कोई चुटकुला अगर कोई सुना देता है, या कोई दृश्य हो जाता है ऐसा हमारी आंखों के सामने साकार कि हमें हंसी आए बिना नहीं रहती, तब उस स्थिति में ये हास जो है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर हास्य नामक रस के रूप में हमारे सामने आता है। इसी तरह से
वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, उत्साह निबंध हम पढ़ चुके हैं, तो उस संबंध में, उस संदर्भ में भी इसे जानने की कोशिश करेंगे। रौद्र का अर्थ है, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, यानी जब हमें गुस्सा आता है और हमारे नथुने फड़कने लगते हैं गुस्से में, चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और हम कांपने लगते हैं हमारा पूरा शरीर, तो हमारा जो क्रोध नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर किस रस के रूप में सामने आता है? रौद्र रस के रूप में सामने आता है। आगे चलें। इसी प्रकार जब हम कोई भयानक दृश्य देख लेते हैं, या हम कहीं जंगल में हैं, जा रहे हैं, अंधेरा हो गया, हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और हम विवश हैं कि उस घने जंगल में हमें रात्रि बितानी ही पड़ेगी, तो उस समय हमारे हृदय में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, वन की बहुत सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, तो उस परिवेश में हमारे हृदय में जो स्थायी भाव कौन सा जागता है? भय नामक जो स्थायी भाव है वो जागता है। और इसी समय यदि शेर हमारी आंखों हमारे सामने आ जाए तो हमें ये कौन सा भय रस परिपुष्ट होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के माध्यम से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इसी तरह से विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस का है विस्मय यानी आश्चर्य, और ये शांत रस अभिनव गुप्त ने जोड़ा, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान में रख लेंगे। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद या वैराग्य। तो देखिए, हमने कुरुक्षेत्र पढ़ लिया है, तो कुरुक्षेत्र में जो वैराग्य और निर्वेद का भाव है वो किसके मन में उत्पन्न हो रहा है? युधिष्ठिर के मन में उत्पन्न हो रहा है। तो युधिष्ठिर के मन में जो निर्वेद और वैराग्य का स्थायी भाव है वो क्यों जागता है? इसलिए जागता है क्योंकि वो युद्ध में हुए नरसंहार को देख चुके हैं, और जब ये अपने अनुकूल विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर कौन से रस के रूप में सामने आता है? शांत रस के रूप में सामने आता है। इसी तरह से भक्ति का जो स्थायी भाव है वो भगवत प्रेम यानी ईश्वर के प्रति प्रेम, वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सल यानी किसी भी बच्चे के प्रति, माता का या पिता का या किसी भी अग्रज का प्रेम या स्नेह। और आपको ये भी ध्यान रखना है, भक्ति रस को रस के रूप में प्रतिपादित करने वाले हैं रूप गोस्वामी, और वात्सल्य रस को रस के रूप में प्रतिपादित करने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। इन तीनों को आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब बात आती है, हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आखिर क्या होते हैं उनको भी अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि स्थायी भाव को हम समझ चुके हैं। अब विभाव जो शब्द है दोस्तों, उसका अर्थ होता है उद्बोधक यानी कारण, यानी जो स्थायी भाव को जगाने का काम करे, जो स्थायी भाव हमारे हृदय में सोया हुआ है उसे जगाने का जो काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। भावों को विशेष रूप से प्रकट करने वाले तत्व अथवा स्थायी भावों को जगाने वाले जो तत्व हैं वो विभाव कहलाते हैं, यानी स्थायी भाव को जो जगाएगा वो विभाव है। जैसे मान लीजिए कि हम कामायनी पढ़ चुके हैं, श्रद्धा को देखकर मनु के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ रति का, क्यों? क्योंकि वो उसके सौंदर्य में डूब गए, तो ये जो विभाव है ये क्या हुआ? श्रद्धा का सौंदर्य, तो उसके कारण उनके मन में कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ? रति का स्थायी भाव जागृत हुआ, जो श्रृंगार रस को अपने चरमोत्कर्ष तक, चरम दशा तक पहुंचाने में सहायक होगा। आगे चलें। अब ये जो विभाव हैं, ये भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसको देखकर हमारे मन में किसी भाव को, कोई भाव जागे वो आलंबन है। जैसे श्रद्धा को देखकर मनु के हृदय में रति का भाव जागा, या शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति का भाव जागा, तो शकुंतला जो है वो आलंबन है। और उद्दीपन, जो वातावरण जिसमें दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उस वो वातावरण भी उसकी रति की भावनाओं को जगाने में काम कर रहा है, तो वो हो गया उद्दीपन, यानी जो उनकी रति की भावनाओं को और अधिक प्रबल रूप में उत्पन्न करे, उसे उत्कर्ष प्रदान करे, वो उद्दीपन है। परिभाषा समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण सामाजिकों में रस उत्पन्न होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में रति का यानी प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, जिससे पुष्ट होगा रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो कौन सा रस परिपुष्ट होगा? विभाव, अनुभव और संचारी भावों से मिलकर श्रृंगार रस परिपुष्ट होगा। आगे चले। आलंबन विभाव के भी अब दो भेद हैं, विषय और आश्रय।
देखिए विषय कौन है, शकुंतला, यानी जो कारण है किसका, रति नामक भाव को उत्पन्न करने का, वो तो है विषय, लेकिन जिसको देखकर जिस व्यक्ति के हृदय में रति का भाव उत्पन्न हो रहा है वो है आश्रय, यानी भाव ने जहां आसरा लिया है, सरल शब्दों में समझ लेंगे वो है आश्रय, यानी दुष्यंत के मन में रति का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो दुष्यंत क्या हुआ, आश्रय हुआ, और शकुंतला को देखकर हो रहा है इसलिए आलंबन विभाव हुई शकुंतला। इसी तरह से श्रद्धा और मनु के संदर्भ में भी आप इस बात को समझ सकते हैं, ढोला और मारू के संदर्भ में इस बात को समझ सकते हैं, जिसको देखकर, जैसे पद्मावत, जायसी के पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती के संदर्भ में इसे समझ सकते हैं कि रत्नसेन के मन में पद्मावती के सौंदर्य को देखकर जो रति का भाव उत्पन्न हुआ, तो पद्मावती क्या हुई, विषय हुई, और रत्नसेन क्या हुआ, आश्रय हुआ। तो इस तरह से आलंबन विभाव के दो भेद है, विषय विभाव जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वह आलंबन या विषय कहलाता है, आश्रय विभाव जिसके हृदय में किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वो आश्रय कहलाता है। आगे चलें। अब उदाहरण यहाँ शकुंतला का दिया गया है ताकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति रति भाव जागृत होता है, तो शकुंतला विषय विभाव है, दुष्यंत आश्रय विभाव है, आप समझ चुके हैं, तथा ये दोनों पात्र आलंबन विभाव है, क्योंकि आलंबन विभाव के दो भाव हैं, दो भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, आलंबन विषय और आश्रय, और यही दोनों सामाजिक के रति नामक स्थाई भाव को रसावस्था तक पहुंचाने के कारण है, क्योंकि विभाव का अर्थ होता है स्थाई भावों को जगाने का कारण, तो जो रति नामक स्थाई भाव सोया हुआ है दुष्यंत के हृदय में, उसे रस की अवस्था तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं ये आलंबन विभाव। आगे चलें। अब आती है बात उद्दीपन विभाग की, उद्दीपन विभाव की, क्योंकि उद्दीपन आलंबन और उद्दीपन दो विभाव के भेद थे, जिनमें से आलंबन विभाव के पुनः दो भेद थे, विषय और आश्रय। अब आती है उद्दीपन विभाव, वे विभाव जो रति आदि स्थाई भावों को उद्दीप्त करते हैं, जगाते हैं, उनकी आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव के भी दो भेद हैं, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं और बाहरी वातावरण। यानी आलंबन तो है ही, शकुंतला का जो सौंदर्य है वो रति के प्रेम को जगाने, रति को जगाने वाला दुष्यंत के हृदय में तो है ही, लेकिन शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं दुष्यंत को देखकर, वे भी उसके रति भाव को और अधिक मजबूती प्रदान करती हैं और अधिक पुष्ट करती हैं, तो वो क्या हो गए, उद्दीपन विभाव। और जिस वातावरण में, जिस कण्व ऋषि के आश्रम में दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं, वृक्षों और लतिकाओं के बीच बहुत सुंदर मनोरम वातावरण में देखते हैं, वो वातावरण भी उनके रति नामक स्थाई भाव को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि बाह्य वातावरण में वो तपोवन का वातावरण शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव के दो भेद हो गए, आलंबनगत बाहरी चेष्टाएं, यानी शकुंतला ने दुष्यंत को देखकर जो भी हाव भाव उसके सामने आए वे बाह्य चेष्टाएं हैं, और जिस वातावरण में दुष्यंत ने शकुंतला को देखा वो बाहरी वातावरण भी उद्दीपन विभाव कहलाएगा। अब आलंबन की बाह्यगत चेष्टाओं को उदाहरण से और अच्छी तरह समझ लेते हैं। श्रृंगार रस में दुष्यंत आश्रय है, उसके रति भाव को तीव्र करने वाले शकुंतला यानी आलंबन के जो कटाक्ष हैं, जो नेत्रों का संचालन है, वो क्या है, आलंबन की बाह्य चेष्टाएं हैं। आगे चलें। इसी तरह से भयानक रस का उद्रेक हो रहा है, तो जो डरा हुआ मनुष्य है उसे बहुत अधिक भयभीत करने के लिए यदि उसके सामने सिंह आ जाए और दहाड़ने लगे, गर्जना करने लगे, और उसके जो मुख की भयंकर आकृति है उसे देखकर हमारा जो भयानक रस है वो हमारे हृदय में और अधिक उद्दीप्त होगा, चरम स्थिति तक पहुंचेगा, और जो हमारा भय स्थाई भाव है वो पुष्ट होकर चरम दशा तक पहुंचेगा। तो ये आलंबन की चेष्टाएं हो गई। अब बाहरी वातावरण को समझ लेते हैं। बाहरी वातावरण जो आश्रय के स्थाई भावों को उद्दीप्त करता है क्या है, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस रति भाव जागृत हो रहा है, रति नामक स्थाई भाव, तो नदी का किनारा है, नदी की कलकल ध्वनि है, शीतल जल है, वहीं पास में कोई पुष्प वाटिका है, चांदनी रात है, ये जितने भी मनोरम दृश्य हैं ये रति नामक स्थाई भाव को जगाने के कारण है, यानी बाह्य वातावरण है उद्दीपन विभाव का। भयानक रस है
तो घना वन है, पशुओं की डरावनी आवाजें हैं, ये हमारे भय नामक स्थायी भाव को जगाने के लिए क्या होंगे, बाह्य वातावरण होगा उद्दीपन विभाव का। आगे चलें, अब बात आती है अनुभवों की। अनुभव दोस्तों, जैसा कि नाम से शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, अनु और भाव, अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में, यानी स्थाई भाव के जागने के बाद, विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। संस्कृत में कहा गया है भावम अनु अनुभाव, यानी जो स्थाई भावों के बाद उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। अब भरत मुनि ने इन अनुभावों को परिभाषित करते हुए लिखा है वाणी और अंगों के द्वारा। देखिए ध्यान देंगे, वाणी और अंगों के द्वारा की गई ऐसी क्रियाएं जो अर्थ का बोध करा दें अनुभाव कहलाती है। अब मान लीजिए कि रति नामक भाव शकुंतला आलंबन को देखकर दुष्यंत के हृदय में उत्पन्न होने लगा, जागने लगा, लेकिन उसकी पुष्टि कब होगी, जब दुष्यंत के रति नामक भाव को बढ़ते हुए देखकर शकुंतला ने के हृदय में, उसके बाद स्थाई भाव रति, दुष्यंत के रति भाव को जागने के बाद जो भाव उत्पन्न हुए, जो अंग संचालन उनका हुआ, जो कटाक्ष हुए, कपोल लाल हो गए, लज्जा से नेत्र झुक गए, ये सारी जो स्थितियां हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। तो जो प्रतिक्रिया रति नामक भाव के जागने के बाद जो होती है उसे अनुभाव कहा जाता है। आगे चलें, उदाहरण देखिए, दुष्यंत में रति नामक स्थाई भाव के जागृत होने पर दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को सानुराग यानी प्रेम सहित, अनुराग के साथ, प्रेम सहित अवलोकन यानी देखते हैं, और उसके बाद जो भी अंग संचालन, जो भी हाव भाव उनके होते हैं अपने अंग, विविध अंगों के द्वारा, वे अनुभाव कहलाते हैं। इसी तरह से जब धनुष भंग होता है, धनुष यज्ञ होता है वहां रामचरितमानस में, तो वहां परशुराम में स्थाई भाव कौन सा जागृत होता है, क्रोध। जब क्रोध नामक स्थाई भाव जागृत होता है तो कौन सा रस होगा, रौद्र रस। तो होने पर परशुराम जब कठोर शब्दों में सबको ललकारते हैं और अपना फरसा उठा लेते हैं क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण करके, तो फरसा उठाना, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब क्या है, अनुभाव है, क्योंकि उनके हृदय में जो क्रोध नामक स्थाई भाव था वो धनुष के टूटने के कारण, शिव जी के धनुष जो उन्हें बहुत प्रिय था उसके भंग होने के कारण जाग गया। और उसके बाद जो अनुभाव स्थाई भाव के जागने पर जो बाद में भाव उत्पन्न हुए उसके फलस्वरूप उन्होंने कठोर शब्दों का प्रयोग किया और अपना फरसा उस व्यक्ति का वध करने के लिए उठा लिया जिसने धनुष भंग किया है। तो ये अनुभाव है जो स्थाई भाव के बाद जागृत हुए। अनुभाव के भेदों पर बात करते हैं। अनुभाव की संख्या कुल 5 मानी गई है दोस्तों। आंगिक यानी अंग संचालन में जो बदलाव आता है, यानी अंगों के माध्यम से जो हाव भाव अभिव्यक्त होते हैं वो आंगिक। चित्त में हर्ष उत्पन्न हो रहा है, विषाद उत्पन्न हो रहा है, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो मानसिक अनुभाव। वाणी से जो कुछ भी बोलते हैं, जैसे परशुराम ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, या श्रृंगार रस के उद्बुद्ध होने पर, परिपुष्ट होने पर मधुर वाणी में दो प्रेमी जन एक दूसरे से बात करते हैं, तो वाचिक अनुभाव। और वाचिक अनुभाव के बाद आता है आहार्य अनुभाव यानी वेशभूषा। इसको इस तरीके से समझ लेंगे दोस्तों, हम बिहारी के दोहे भी पढ़ चुके हैं, वहां जो शुक्लाभिसारिका नायिका का हमने एक दोहा पढ़ा था, जो चांदनी रात में अपने प्रियतम से मिलने जाती है, तो जब मिलने के लिए जाती है तो उस समय वो उस प्रसंग के अनुकूल किसको, नायक को, अपने प्रियतम को रिझाने के लिए जिस प्रकार की साज सज्जा करती है, जो वेशभूषा धारण करती है, वो क्या है, वो सब है आहार्य, वो सब आहार्य के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आते हैं सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव सत्व का उद्रेक से जोड़ लीजिए, जब अपने पराये का भेद समाप्त हो और एकदम सात्विक भावनाएं जब हृदय में उत्पन्न होती हैं स्वतः, जिनको प्रयत्न पूर्वक जागृत नहीं करना पड़ता, वो सब सात्विक अनुभाव होते हैं। अब इन अनुभावों के, ये जो अनुभाव 5 है, इनको 2 श्रेणियों में, 2 कोटियों में विभक्त किया गया है, वो है यत्नज और अयत्नज। यानी यत्नज, यत्न से उत्पन्न, यानी प्रयत्न पूर्वक जो हम अनुभाव हमारे होते हैं वो यत्नज अनुभाव कहलाते हैं।
जैसे आंगिक अनुभव, वाचिक अनुभव, ये सब हम प्रयत्न पूर्वक बोलते हैं, मधुर वाणी बोले, क्रोध में भरकर वाणी बोले, कठोर शब्द बोले, तो क्या होगा? वाचिक होगा। और इसी प्रकार हम विशेष अवसर के लिए विशेष प्रकार की वेशभूषा और साज सज्जा, ये हम प्रयत्न पूर्वक करते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में रस का उद्रेक हो और हम किसी आनंद में भरकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, तो हम रोंगटा एक एक पकड़कर तो उठाते नहीं दोस्तों, वे तो स्वतः एक प्रक्रिया है रोमांचित होने की, तो वो अयत्नज यानी सात्विक अनुभवों की श्रेणी में आते हैं। तो जिनको प्रयत्न पूर्वक करना पड़े वो यत्नज अनुभव, और जिनको प्रयत्न बिना किए ही जो अब स्वतः ही उत्पन्न हो उनको सात्विक अनुभव कहा जाता है। आंगिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य ये कैसे हैं? यत्नज अनुभव हैं, प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न किए गए अनुभव हैं। लेकिन सात्विक अनुभव अयत्नज अनुभव है, ध्यान देंगे, कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव कौन सा है, या निम्नलिखित में से अयत्नज अनुभव कौन सा है, या यत्नज अनुभव कौन सा है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात आती है यत्नज अनुभवों की। आंगिक और कायिक अनुभव यानी शारीरिक जो चेष्टाएं, किसी भी स्थायी भाव के जागृत होने की स्थिति में उसके अनुकूल जो शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, वे आंगिक या कायिक अनुभव कहलाती हैं। इसी प्रकार मानसिक अनुभव यानी कोई भी अच्छा आनंदपूर्ण दृश्य देख रहे हैं तो हमारा जो स्थायी भाव है हर्ष, वो हास, वो जाग गया, और अंतःकरण की वृत्ति में जो उत्पन्न हुए हर्ष, विषाद, व्याकुलता, संकोच, जो स्थायी भाव जागृत हो रहा है उसके अनुकूल मानसिक अनुभव आते हैं। तो जो मन में आते हैं वो मस्तिष्क में आते हैं, हृदय में आते हैं, वो मानसिक अनुभव कहलाते हैं। वाचिक अनुभव जो वाणी से बोल करके अभिव्यक्त किए जाते हैं। आहार या जो वेशभूषा, अलंकार का मतलब है यहाँ आभूषण, और साज सज्जा से अभिव्यक्त होते हैं। अयत्नज अनुभव यानी सात्विक अनुभव सत्व के योग से यानी सत्व के उद्रेक से जो कायिक चेष्टाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं वे सात्विक अनुभव कहलाती हैं। ये सात्विक अनुभव दोस्तों 8 माने गए हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, कंठस्थ कर लेंगे। अब सात्विक अनुभव कौन कौन से हैं उन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 8 सात्विक अनुभव है। स्तंभ जड़ के समान खड़े रहना, यानी हमने कोई बहुत ही आघात पहुंचा देने वाला दृश्य देख लिया और हम एकदम, हमारे अंगों का काम रुक गया और हम स्तंभ की तरह, खंबे की तरह खड़े रह गए, तो स्तंभ, स्तंभ अनुभव है ये, सात्विक अनुभव में आएगा, क्योंकि हम प्रयत्न पूर्वक एक जगह नहीं खड़े हो सकते। कोई अगर हमसे कहे कि 5 मिनट के लिए, क्या 1 मिनट के लिए भी आप यहां पर बिल्कुल खड़े रहेंगे, कोई हलचल, कोई स्पंदन आपके शरीर में नहीं होगा, तो हम नहीं खड़े रह सकते। लेकिन जब इस तरह का कोई दृश्य हमारे सामने आता है जो हृदय विदारक दृश्य है, तो हम एकदम जड़वत कुछ क्षणों के लिए खड़े रह जाते हैं, तो वो जो अनुभव है वो स्तंभ कहलाता है। स्वेद का मतलब है जब हम इतने भयभीत हो जाएं कि हमें पसीना आने लगे डर के कारण, तो वो स्वेद अनुभव कहलाता है। रोमांच, जब हमारे रोंगटे रोए खड़े हो जाएं स्वतः कोई भी आनंद का अवसर आने पर, या किसी भी स्थिति में, दुख की स्थिति में भी, डर की स्थिति में भी रोमांच उत्पन्न होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रोमांच अनुभव कहलाएगा। स्वर भंग, हम जब किसी से बहुत डरे हुए हैं और हम उसको जवाब, बार बार हमसे कोई जवाब पूछा जा रहा है और हमारी जुबान लड़खड़ाने लगे, तो वो होगा स्वर भंग अनुभव, जो भय के कारण या अत्यधिक आनंद के अतिरेक के कारण उत्पन्न होता है, तो उसे कहते हैं स्वर भंग, यानी आवाज का लड़खड़ाना। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब बात आती है वेपथु। वेपथु का अर्थ होता है कांपना। हम कोई ऐसा हृदय विदारक दृश्य देख लें कि डर के कारण हमारा शरीर बुरी तरह से कांपने लग जाए, तो वो कौन सा अनुभव है? वेपथु अनुभव है। वैवर्ण्य यानी डर के कारण पीला पड़ना, चेहरा हमारा डर से पीला पड़ जाए, तो वो वैवर्ण्य अनुभव होगा। अश्रु, आप सभी जानते हैं, लगातार कोई करुण दृश्य देखकर हमारे नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगे, वो अश्रु अनुभव होगा। और प्रलय अनुभव, जब हम सुध बुध खो बैठे, हमें होश ही न रहे कि हम क्या कर रहे हैं और कहां हैं, इतना अधिक आघात में हो, इतने अधिक शोक में हो,
तो प्रलय अनुभव होता है। तो ये 8 प्रकार के सात्विक अनुभव माने गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि सात्विक अनुभव कितने माने गए हैं, तो 8 माने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये कंठस्थ करना पड़ेगा। इनमें से वैवर्ण्य अनुभव के विषय में सत्य कथन है, या वेपथु अनुभव के विषय में सत्य कथन है, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सात्विक अनुभव के दृष्टि से असंगत है, ये सारे इस तरह के प्रश्न इस पर बनते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलें। अब बात आती है संचारी भाव की। संचारी भाव जैसा कि संचरण करना, यानी जो देखिए स्थाई भाव तो वो होते हैं जो स्थाई रूप से मनुष्य के हृदय में विद्यमान होते हैं, और उनको जगाने के लिए जो आते हैं वो होते हैं विभाव, और स्थाई भावों के जागने के बाद जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं अनुभाव। और इस सारी प्रक्रिया में जिन भावों का आना जाना लगा रहता है, आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, टिककर नहीं रहते, वे संचारी भाव कहलाते हैं। यानी ये भाव साथ साथ चलते हैं, स्थाई भावों के साथ साथ चलते हैं, संचरणशील होते हैं, अस्थिर मनोविकार होते हैं, यानी आते हैं और जाते रहते हैं। संचारी भाव स्थाई भावों के सहकारी, इनके सहयोग से स्थाई भाव और पुष्ट होकर रस का उद्रेक मनुष्य के हृदय में करते हैं, उन्हें रसावस्था तक ले जाते हैं, यानी रस की चरम अवस्था जो आनंद की अवस्था है वहां तक ले जाने में संचारी भावों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन ये स्वयं जैसे किसी समुद्र में या किसी नदी में जल की लहरें उठती हैं और शांत हो जाती हैं, उसी तरह से ये संचारी भाव जल की लहरों के समान उठते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। आविर्भूत यानी उत्पन्न होना, तिरोभूत यानी विलीन होना, इनका चलता रहता है, ये इनकी मूल प्रकृति है। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि एक संचारी भाव कई स्थाई भावों के को जगाने का कारण बनता है, उसका उपकारक बनता है। यही कारण है कि इनके लिए संचारी भावों के लिए व्यभिचारी शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। आगे चलें। अब ये जो संचारी भाव हैं दोस्तों, इनकी संख्या 33 मानी गई है, कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन से 33 संचारी भाव हैं उनके विषय में संक्षेप में जान लेंगे, क्योंकि केवल रटने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहला संचारी भाव आता है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है जब सुख दुख जैसी जो सांसारिक स्थितियां हैं उनसे अप्रभावित हो, मनुष्य को संसार की हर वस्तु खोखली और सारहीन प्रतीत होती है, वैराग्य का भाव जब उदित होता है तो उसे निर्वेद कहते हैं। जो कुरुक्षेत्र में किसके मन में उत्पन्न हो रहा है, युधिष्ठिर के मन में उत्पन्न हो रहा है। ग्लानि दूसरा संचारी भाव है, जब मानसिक स्तर पर हम खिन्न होते हैं, उदास होते हैं, उत्साह हमारा किसी काम को करने के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं होता, और हमारे अंग भी हमें ढीले से मालूम होते हैं, जैसे मानो उनमें दम उनमें ताकत है ही नहीं, उस भाव को, उस संचारी भाव को कहा जाता है ग्लानि। शंका यानी भविष्य में कुछ बुरा ही होगा, तो ऐसा भाव जब हमारे हृदय में आता है तो वो कहलाती है शंका। असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या यानी जलन की भावना, आप सभी जानते हैं। आगे चले। मद यानी इतना अधिक आनंद हो जाए कि किसी भी अन्य कारण से, या तो आनंद की स्थिति में या किसी भी मस्ती में डूबकर जब हम अपने आसपास के परिवेश से अचेतन हो जाए, उसके प्रति उपेक्षा का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, मद। इसका उदाहरण भी कुरुक्षेत्र से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। जो हर्ष ध्वनि पांडवों के शिविर से आ रही है, पांडवों और उनके समर्थकों की, तो क्या कहा गया है उसको, जड़ उल्लास जड़ समुदाय कहकर संबोधित किया गया है। तो वो स्थिति कौन सी है, वो है संचारी भाव मद की स्थिति, यानी वो अपनी विजय की मस्ती में उसके आनंद में इतने डूब गए हैं कि कितना रक्तपात हुआ है, युद्ध भूमि का क्या भयानक दृश्य है, इसकी ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं, तो वहां मद नामक संचारी भाव है। श्रम अगला, इच्छा पूर्ति हेतु किए कार्य से शारीरिक और मानसिक खेद, जब हम बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेते हैं किसी भी महान किसी भी बड़े काम को, जिसको करने की हमारी इच्छा है करने के लिए, तो जो शारीरिक थकान होती है वो भी श्रम है, और जो मानसिक थकान होती है हमें वो भी श्रम के अंतर्गत आता है। आलस्य आप सभी जानते हैं, किसी भी काम को न करने की इच्छा। दीनता यानी हम अपने आप को बहुत लाचार और असहाय जब समझते हैं तो वो संचारी भाव होता है दीनता का। लेकिन हम हमेशा तो ऐसा नहीं समझते कि हम असहाय हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दीनता जो है वो संचरणशील भाव है,
और इसलिए इसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा गया है। चिंता, जब हमें हम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें न मिले, या हम चाहते हैं कि इस परीक्षा में हम अव्वल दर्जे पर आए और हमें किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश वो परिणाम अपने मनोनुकूल ना मिले तो हम चिंतित हो उठते हैं, या हमें बदले में कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम प्राप्त करना चाहते ही नहीं, तब भी हमारे मन में चिंता होती है, क्योंकि प्रिय वस्तु के न मिलने पर और अप्रिय वस्तु जिसे हम चाहते ही नहीं उसके मिल जाने पर भी हम मन ही मन उस विषय पर विचार करने के लिए विवश हो जाते हैं, और ये विचार करने की जो प्रक्रिया है वो चिंता नामक संचारी भाव को जन्म देती है। आगे चले। मोह, भय, दुख, वियोग, घबराहट के कारण ज्ञान शून्यता, हम इतने मोहाविष्ट हो गए, या उसका कारण भय भी हो सकता है, बहुत अधिक दुख भी हो सकता है, किसी भी प्रिय व्यक्ति से वियोग भी हो सकता है, या हमारा चित्त बहुत बेचैन है, व्याकुल है, उसके कारण हम आसपास के परिवेश के प्रति अपनी जागरूकता को जब खो बैठते हैं तो वो होता है मोह। स्मृति, समान वस्तु को देखकर अनुभूत सुख दुख का स्मरण, जैसे हम किसी बच्चे की शैतानी को देखकर अपने बचपन की शैतानियों में अगर डूब जाएं तो वो कौन सा संचारी भाव होगा, वो स्मृति संचारी भाव होगा। धृति यानी धैर्य धारण करना, लोभ, मोह, भय, चिंता और अत्यधिक हर्ष के कारण जब चित्त में हमारा मन विचलित होने लगे, लेकिन हम एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह उस अपने मानसिक विचलन को रोक लें, नियंत्रित कर लें, तो वो संचारी भाव होता है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य धारण करना। व्रीड़ा यानी लज्जा, शर्म आप सभी जानते हैं, चापल्य यानी चित्त की चंचलता, हर्ष अत्यधिक सुख और उत्साह का भाव हर्ष है, आवेग, प्रिय या अप्रिय स्थिति में उत्तेजना और भावावेग को हम आवेग कहते हैं, जब हमारे हृदय में या तो अच्छी स्थिति, आनंद की स्थिति, या बुरी स्थिति, शोक की, दुख की, कष्ट की, भय की स्थिति में हमारी भावनाओं का जो आवेग हमारे हृदय में उत्पन्न होता है उसे आवेग कहा जाता है। किं कर्तव्य विमूढ़ होना, जड़ता, किं कर्तव्य विमूढ़ यानी क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी स्थिति में, ऐसी जटिल परिस्थिति में जब हम मानसिक स्तर पर पड़ जाते हैं तो वो संचारी भाव होता है जड़ता। गर्व यानी अहंकार, घमंड, धन, विद्या, रूप या बल, किसी भी अतिरिक्त चीज को हम बहुत अधिक मात्रा में जब प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे हृदय में जो अभिमान का भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गर्व। विषाद, जब परिस्थितिवश हम स्वयं को बिल्कुल असहाय, निरुपाय, कि हमारे सामने कोई भी मतलब उपाय नहीं है अब इस समस्या के समाधान का, वो और उत्साहहीन हम अपने आप को समझने लगते हैं, जैसे कामायनी में मनु समझते हैं, तो कौन सा संचारी भाव है, विषाद। जैसे गीता में अर्जुन अपने शस्त्र पटक देते हैं नीचे और कहते हैं कि मुझसे युद्ध ना होगा क्योंकि सामने जो सेना खड़ी है उसमें मेरे बंधु बांधव और प्रियजन और गुरुजन है, उन पर भला मैं शस्त्र कैसे उठाऊंगा। तो जब सामने खड़ी सेना को देखकर वो अपने आप को उपायहीन समझते हैं, उत्साहहीन समझते हैं, जैसे उनके अंगों में ताकत ही नहीं है शस्त्र उठाने की, तो वो विषाद की स्थिति होती है। यही स्थिति कामायनी में हम मनु की भी पढ़ चुके हैं। औत्सुक्य यानी इच्छित वस्तु का की प्राप्ति होने वाली है हमको, लेकिन उसमें देर हो रही है। हमने मान लीजिए कि कोई बहुत ही अच्छी चीज अमेज़न से ऑर्डर की है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से पहुंचे, लेकिन वो समय पर आ ही नहीं रही है, तो उस दौरान उस वस्तु, प्रिय वस्तु की प्रतीक्षा में जो बेचैनी, जो व्याकुलता हमारे हृदय में रहेगी, जो उत्सुकता हमारे हृदय में रहेगी, वो औत्सुक्य नामक संचारी भाव है। कि औत्सुक्य इतना बढ़ जाए विलंब होने पर कि हम अधैर्यवान हो जाएं, अपना धीरज खो बैठें, कि हमें लगे कि बस अभी हमें ये वस्तु मिल जानी चाहिए, तो वो औत्सुक्य है। आगे। निद्रा, आप सभी जानते हैं, इंद्रियों का बाह्य विषयों से विमुख होना, क्योंकि हम सो जाते हैं तब हमें आसपास के परिवेश का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, तो उस स्थिति को निद्रा नामक संचारी भाव कहा गया है। आगे चलें। अपस्मार यानी बहुत अधिक मन की व्यथा, मानसिक पीड़ा से जब हम गुजरते हैं और उस मानसिक पीड़ा के प्रभाववश हमारी याददाश्त कमजोर होने लगे, उसमें बिखराव आने लगे, तो विक्षिप्त जैसा आचरण हम करने लगे, पागल जैसा व्यवहार हम करने लगे, तो उसको कहते हैं हम अपस्मार। स्वप्न, निद्रावस्था में जो वस्तुएं हमें वास्तविक न होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होती हैं और उसको, उस मिथ्या अनुभव को हम सच मान लेते हैं उस विशेष क्षण में,
उसे स्वप्न कहते हैं। विबोध यानी जब हम किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाते हैं, उसके ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, तब हम किस प्रकार उस वस्तु के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वो हमारी चैतन्य की अवस्था है। अमर्ष दूसरों द्वारा किए गए निंदा और अपमान के प्रति असहिष्णुता। अमर्ष का एक अर्थ आप ये मान लीजिए कि कोई हमें हमसे बहुत कठोर शब्दों में व्यवहार कर रहा है, बहुत बुरा आचरण कर रहा है। एक तो स्थिति वो है जब हम उसे चुपचाप बुरा लग रहा है तो भी सह लें, तो वो है हमारी सहनशीलता। लेकिन यदि हम उसका विरोध करें तो वो है अमर्ष। असहिष्णुता दिखाएं तो वो है अमर्ष की स्थिति, किसी दूसरे के द्वारा किए गए निंदा और अपमान को सहन न करना। आगे चले। अवहित्था, भय और लज्जा के कारण भावों को छिपाना। अवहित्था का मतलब है किसी भी डर से या शर्म से जब हम अपने भावों को छिपाते हैं। हम डर रहे हैं अंदर से, लेकिन हम डर रहे हैं इस बात को हम सामने वालों के सामने अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ऐसा होने पर हमारे व्यक्तित्व की कमजोरी, हमारे व्यक्तित्व की दुर्बलता उस व्यक्ति के सामने स्पष्ट जाहिर हो जाएगी। तो उस संचारी भाव को कहा जाता है अवहित्था। और ये स्थिति भय की स्थिति में भी हो सकती है और लज्जा की स्थिति में भी हो सकती है। उग्रता, अपराध अपमान के प्रति प्रचंडता और निर्दयता का जो भाव है, यानी किसी भी हमारा बहुत अधिक अपमान हो गया और हम उस अपमान के प्रति असहिष्णुता दिखाते हुए तुरंत उसका विरोध कर उग्र रूप धारण कर लें, तो वो स्थिति है उग्रता। यानी हम भी बदले में उस व्यक्ति को कठोर शब्द सुनाने लगे या मरने मारने पर उतारू हो जाए, वो है हमारी उग्रता, संचारी भाव। मति यानी बुद्धि, साधारण अर्थ में सत्संगति और शास्त्रों से प्राप्त जो ज्ञान है उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाता है मति। व्याधि, मानसिक पीड़ा से जो हमें व्याकुलता मिलती है वो व्याधि कहलाती है। उन्माद, काम क्रोध भय और शोक से जो चित्त में भटकन उत्पन्न होती है, किसी भी एक कारण से हो सकती है, बहुत अधिक दुख से हो सकती है, डर से हो सकती है, गुस्से से हो सकती है या आसक्ति से भी हो सकती है, तो वो चित्त की जो भटकन है वो उन्माद की अवस्था कहलाती है। यानी उन्माद का मतलब है उन्माद नामक संचारी भाव का उदय। मरण यानी किसी भी विशेष स्थिति में प्रबल भावों के जागृत होने पर, यानी मान लो कि शोक का भाव हमारे मन में जागृत हो रहा है स्थायी भाव और करुण रस की उत्पत्ति होने वाली है, तो हम शोकग्रस्त होकर देह पतन या वियोग की स्थिति है, श्रृंगार के वियोग पक्ष की अगर स्थिति है तो हमारा शरीर गिरने लगे, हमारी सांसें रुक रुक कर आए और हमें ऐसा लगे कि मानो हमारी मृत्यु होने वाली है, उसे हम कहते हैं मरण। किसी भयोत्पादक ध्वनि या स्थिति से हृदय जब हमारा विचलित हो जाए, त्रास का मतलब होता है सरल शब्दों में भय, यानी कोई बहुत ही डरा देने वाली आवाज आए और हम अचानक चौंक कर बाहर भागें और देखें कि आखिर क्या हुआ है, या हम किसी ऐसे दृश्य को देखकर हमारा हृदय अधैर्य हो जाए, अधीर हो जाए और हमारी धड़कन बढ़ जाए, हृदय गति बढ़ जाए, तो वो स्थिति होती है संचारी भाव कौन सा है, त्रास का। वितर्क, अविश्वास संदेह के कारण जो उहापोह की स्थिति है, क्या करूं क्या ना करूं, ये उचित है वो उचित है, इस तरह की जो अंतर्द्वंद्व की स्थिति होती है उसे कहते हैं वितर्क। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का एक महत्वपूर्ण सत्र। उम्मीद करती हूं कि रस की जो आधारभूत जानकारी है, आधारभूत तथ्य है, वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और रस के अवयवों को आप हृदयंगम कर चुके होंगे। अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे रस के भेदों की, तो अगले सत्र की प्रतीक्षा में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।